अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ कैंट वेस्टर्न रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल पर काबिज होने के लिए दोनों भाई चेयरमैन इंद्रजीत सिंह व सचिव संजीत सिंह बुधवार को आमने सामने आ गए। बकौल इंद्रजीत सिंह, छोटे भाई संजीत सिंह को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है, लिहाजा अब उनका स्कूल में कोई हक नहीं बनता है। वहीं संजीत सिंह ने स्वयं को सचिव बताते हुए कहा कि उन्होंने न तो पहले ही कब्जा किया था और न ही आज किया है। वह पहले भी स्कूल पर काबिज थे और आज भी हैं। इससे पूर्व स्कूल में घुसने को लेकर संजीत सिंह की बेटी करिश्मा से हाथापाई की गई। धक्का मुक्की में उनके पांव में गिरने से चोट आई है। आज स्कूल में चले इस फैमिली ड्रामे के कारण स्कूली बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। मौके पर मौजूद संजीत सिंह की बेटी करिश्मा ने यह जानकारी दी। पांच लोग गार्ड इंद्रजीत सिंह सालवान के रखे हुए, अमरजीत कौर के रखे हुए, उन्हें पहले मुझे धक्का नहीं देना चाहिए था। अगर मैं आराम से बात कर रही थी, मुझसे भी आराम से बात करते, वो मेरे भगवान नहीं है। नहीं था तो पुलिस को बुलाते, जैसे मैंने बुलाया लीगली। आपका इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम करिश्मा है, मैं संजीत सिंह की बेटी हूँ जो यहाँ के मालिक है। ये है मेयर सालवान जो मेरी माँ है, और मेरा भाई अंदर है जिसका नाम है अमन सालवान। हम तीनों यहाँ खड़े थे सबकी मौजूदगी में। पूछिए इनसे, आप लोग यही थे जब धक्का दिया? ये थे उठाने वाले मेरे को। ये मेरा स्कूल है, हमारी प्रॉपर्टी है, ये हम यही पे चला रहे हैं। कितने सालों से पली बड़ी हूँ, यहाँ पे पैदा हुई हूँ। मेरे बाप दादा का स्कूल है। मम्मी प्लीज यार, दिस इज नॉट देयर। मैं एक बात कर लूँ या आप कर लो, वो मुझसे पूछ रहे या आप गवाही दो जिंदगी में। कहाँ थे जब वो मुझे धक्का दे रहे थे? आप यहाँ खड़े थे? मैडम ये डिस्प्यूटेड है, अभी आप लोग को यहाँ से जो बोर्ड है उससे निकाल दिया गया है। ना ही हमें कोई निकाल सकता है, ट्रस्ट का बाबला है। ट्रस्टी तो ट्रस्टी रहेंगे सर। आके या तो आप सिविल कोर्ट जाइए, कानून के पास जाइए। कानून कहता है कि हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है। केस हमने जीता है, तो आप मुझे बताइए हम कहाँ जाए। असल में आपका पूरा विवाद क्या है? असल में मेरे पास यह विवाद पूरा सिक्योरिटी इंचार्ज का यह कहना है। पूरा मामला सर इनका दोनों भाइयों का पार्टनरशिप का है, वो तो हमें पता मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है और जो बड़े चेयरमैन साहब हैं उन्होंने लगाई हुई है। और ये जो अपने साथ में दो चार ये गुंडे लेके आए, कुछ बाउंसर हैं, बता रहे हैं सिक्योरिटी वाले मुझे लग नहीं रहे सर ये। और दीवार कूद के आए सर पीछे के साइड में, बैक साइड लेकर के हैं जी। कौन लोग लेकर के हैं? ये जो क्या नाम है इनका, नाम अमन जी लेके आए। अमन कौन है? अमन कौन है? ये छोटे वाले इनके भाई, उनके लड़के। ठीक है, क्यों? ये तो मालूम नहीं कि आपस का कोई मैटर चल रहा है, उसको मैं तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती किया गार्डों के साथ में भी, और गार्डों के साथ में मार पिटाई के लिए भी बहुत काफी हंगामा किया उन्होंने, और जबरदस्ती ताले तोड़े, पूरे स्कूल के ताले चेक कर दिए, चेंज कर दिए उन्होंने। और वहां से क्या चोरी हुआ क्या नहीं हुआ ये इस चीज को यही बताएंगे। क्या यहाँ पे प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का कोई वो मालूम सर इनका क्या मैटर है? लेकिन दोनों भाई का क्या मतलब है जी? ताले तोड़ के फिर अपने ताले लगा दिए, पूरे ताले इन्होंने चेंज कर दिए अंदर के, पूरे स्कूल के। किस ग्रुप ने? संजीत ने या इंद्रजीत ने? संजीत ने ताला लगाया। हाँ संजीत ने। कोई कोर्ट का आदेश ले गए हो? कोर्ट का आदेश इनके पास कुछ है नहीं, कुछ दिखा नहीं रहे, जबरदस्ती कर रहे हैं हमें। इस पर पहले से इंद्रजीत काबिज है? हाँ जी हाँ। कितने समय से? ये तो मालूम सर, फरवरी से हम यहाँ पे, हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, फरवरी से हम यहाँ पे सिक्योरिटी देख रहे हैं। वहीं संजीत सिंह व उनकी पत्नी ने यह जानकारी दी। ये पिछले छह महीने से चल रहा था जी। वो कह रहे थे कि हम चलाएंगे, ये कह रहे थे कि हम वो चलाएंगे, आएंगे हम चलाएंगे। तो मैंने कहा जी आपने चलाना है तो आप चला लेंगे, मैं चला लूं। दोनों को चलाना चाहिए, दोनों को इकट्ठे चलाना चाहिए। अब कोर्ट का क्या आदेश है? कोर्ट का यही आदेश है, ये जो पोजीशन है सेम प्रेसी रहे पोजीशन, दोनों भाई चला। कब आदेश हुआ सर? ये आज कोई अपना डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीने पहले का आदेश है, डेढ़ महीने पहले। क्या कोर्ट ने ये कहा है कि दोनों भाई चलाएं इसको? यातायात पोजीशन रहे ना पहले दोनों चला रहे थे तो स्टे किया उसने। हाँ स्टे खारिज कर दिया ना उनका, उनके स्टे 7/11 स्टे खारिज कर दिया। अच्छा सर, यहाँ जो सिक्योरिटी है उनका कहना है कि आपने उनके ऊपर बल प्रयोग किया है, आप बाउंसर लेके आए थे, पूरे स्कूल के ताले बदल दिए आपने। मैंने कुछ कोई ऐसा नहीं बदला, मैं कहाँ से बदल दूंगा जी, मैं कहाँ से बाउंसर ले आऊंगा। मामला क्या है? मामला ये है कि वो कहते हैं कि हमारे दूसरे ट्रस्टी हैं, जबकि हमारे
ट्रस्टी को आप ऐसे निकाल नहीं सकते बिना मतलब से, और खुद वो इस पे ताले मार के अपनी सिक्योरिटी लेके बैठ गए। कौन? जो इंद्रजीत सिंह जी हैं, जो यहाँ के चेयरमैन है, तो इस तरीके से सेक्रेटरी को, ट्रेजरर को, मैं भी ट्रस्टी हूँ, निकाल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया था, जबकि ये था कि आप एंटर तो कर सकते हैं लेकिन आप इस समय दखल अंदाजी नहीं करें। तो वो हमने केस के टाइम कुछ नहीं आया, हम 3 महीने अंदर, 3 महीने बाद जब हमने केस खारिज करा लिया, उन्होंने हमारी एंट्री तब भी बैन कर दी। तो फिर उनको कोई राइट नहीं है क्योंकि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, तो इस तरीके से हम हमें बाहर नहीं रख सकते। तो हम आज जब अंदर आए हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, बस यही प्रॉब्लम। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी लगा दी जो हमारे बच्चों को भी हार्म कर रही है, जो कि हमारी बेटी है उसके ऊपर हमला किया, उनकी सिक्योरिटी जानी नहीं, यहाँ 8-10 लोग हैं, हमें उनसे खतरा है। लेकिन अभी हम पुलिस की हेल्प लेंगे कि उनको हटाए ताकि हमारी बेटी सुरक्षित रहे, हमारा तो पूरा राइट है, हमारी प्रॉपर्टी है। मेरा नाम मेहर सालवान है, मैं यहाँ की ट्रस्टी हूँ, ये सेक्रेटरी है, मेरा बेटा ट्रेजरर है और जो दूसरी पार्टी है वो चेयरमैन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।